हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नील क्रिएशंस। आज मैं आपको क्रोशिया से एक पफ स्टिच की लेस बनाना सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहले हम एक बना लेंगे नॉट। नॉट बनाने के बाद हम 1 2 3 3 चेन्स ले लेंगे। 3 चेन्स लेने के बाद फर्स्ट वाली में इस तरीके से हम इसकी जो 3 चेन की हाइट है उसकी हाइट का स्टिच ले लेंगे, बिना बुने रख लेंगे। फिर एक और ले लेंगे, ये देखिए 2 3 स्टिच लेने हैं हमने सेम स्पेस में से ही। ये देखिए, ये 3 स्टिच हो गए हैं हमारे। 3 स्टिच लेने के बाद सारे फंदों के बीच में से हम निकाल देंगे क्रोशिया को, एक चेन ले लेंगे। फिर इसको हम आगे कर लेंगे, जो ये चेन वाला होता है इसको हम आगे कर लेंगे। फिर से 1 2 3 4 4 चेन्स लेने के बाद धागे को लपेटेंगे, और जो थर्ड वाली चेन है क्रोशिया हुक से थर्ड वाली, उस वाली चेन में हम ऐसे हाइट जितनी जितना ले लेंगे 3 टाइम्स लेंगे हम ऐसे। ये देखिए, इस तरीके से ले लेंगे। लेने के बाद सारे धागों में से स्टिचेस में से निकाल देंगे। फिर इसकी साइड चेंज कर लेंगे, 1 2 3 4 4 चेन्स लेने के बाद धागा लपेटेंगे, और थर्ड वाली चेन में क्रोशिया हुक से थर्ड वाली चेन में से पास कर लेंगे, और 3 टाइम्स ऐसे पफ बना लेंगे हम, जैसे पफ स्टिच बनाते हैं। तो इसी तरीके से ये घुमा लेंगे, 1 2 3 4 अगेन थर्ड चेन में डालेंगे, ये देखिए ऐसे 1 2 3 ये देखिए, ये ऐसे बन रही है। इसी तरीके से आप इस लेस को बनाते हुए जितनी हाइट आप रखनी चाहते हो, मैं थोड़ी सी और बना लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इतनी लंबी बना ली है। आप चाहो तो इससे ज़्यादा लंबी बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप इसका मल्टी यूज़ कर सकते हो, आप इसको एज अ बेल्ट भी यूज़ कर सकते हो। ये प्यारी लगती है बनने के बाद, और लेस के तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, और इससे एक फ्रॉक का भी डिज़ाइन, पफ स्टिच फ्रॉक का डिज़ाइन है वो भी आप बना सकते हो। लेस के तरीके से भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे ये बनानी बहुत ही इजी है, तो बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।